तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्याज जो से रख दी है, इसको गोल्डन कलर देना है। गोल्डन कलर देने के बाद मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है और किस तरह इसको मज़ीद मज़ेदार हम लोगों ने बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब स्पाइसी डाल के भी हम लोग अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम आप लोगों को जब कि विद नाज़रीन में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम आप लोगों के लिए एक दाल की रेसिपी लेके आए हैं जहाँ पे हमने आपको मटन और चिकन और कबाब और बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें लेकिन आसान तरीके से बनाना सिखाई हैं। वहाँ पर ही हमने सोचा क्यों ना कि आज आप लोगों के साथ जो सी है ढाबा स्टाइल माश की दाल, इसकी रेसिपी को शेयर किया जाए। तो यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो सी है एक पाव माश की दाल ली है, इसको मैंने यहाँ पर भिगो लिया है पानी में और आप लोगों ने इसको जो हम लोग कहते हैं नहरी पानी उसमें भिगोना है। आप लोगों ने जो लोगों के घर मोटरें लगी, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर फैसलाबाद में जो सी इसको लाल पंप कहते हैं, वो पानी आपने शामिल नहीं करना पंप वाला इसके अंदर। एक मैंने जो सा छोटे साइज़ का प्याज लिया है, कुकिंग ऑयल मैंने शामिल कर लिया है। यहाँ पर आ जाते हैं इसके स्पाइसिस की तरफ, नमक हसबे ज़रूरत है, हल्दी, ज़ीरा, दादरी मिर्च और सुरख मिर्च, ये तमाम चीज़ें मैंने जो से हाफ हाफ टेबल स्पून लिए हैं। चार मैंने जो से टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इन प्याज़ों को जो से हम चूल्हे पर रख रही हूँ फ्राई होने के लिए, थोड़ा सा उसको गोल्डन कलर देते हैं, बिल्कुल ढाबों वाली इतनी मज़ेदार दाल बनेगी ना कुकिंग विद नाज़रीन की रेसिपी को फॉलो करते हुए कि आप लोग होटलों से दाल मंगवाना भूल जाएंगे। तो एक बार शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्याज जो से रख दी है, उसको गोल्डन कलर देना है। गोल्डन कलर देने के बाद मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है और किस तरह इसको मज़ीद मज़ेदार हम लोगों ने बनाना है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि जो से लाइट सा कलर हम लोगों ने प्याजों का कर लिया है। आँच को मैं तेज़ करके इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। आँच को थोड़ा सा कर दिया है तेज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार सी ये जो सी हमारी माश की दाल रेस्टोरेंट स्टाइल, इतना अच्छा आप लोग इस तेज से प्याजों को भूनेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ना, उतनी ही अच्छी जो होती है आपकी वो दाल की रेसिपी तैयार होगी। यही मेन चीज़ है जिसकी वजह से खुशबूदार होटलों वाली दाल जो वो तैयार करते हैं। इसका तड़के का जो सा होता है उसको भूनने का, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं दाल के अंदर। तो अच्छे से हम लोगों ने इसको भूनना है इतना कि इसकी जो सी पूरी खुशबू आप लोगों के किचन में और आपके मोहल्ले में फैल ना जाए। तो मैं इसको अच्छे से भूनती हूँ और फिर इसके अंदर जो सा है वो टमाटर मैंने काट के यहाँ पर रख ली है, ये मैं शामिल करती हूँ इसके अंदर। प्यारी माशाल्लाह खुशबू पूरे किचन में होगी। ये कलर भी आप देख सकते हैं गोल्डन कलर हम लोगों ने दिए स्टेज के अंदर। मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन ये हाफ के जी के करीब करीब जो से हैं वो टमाटर मैंने लिए हैं, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू कुछ भी नहीं, सिंपल ही भी हम लोगों ने सिर्फ इसके अंदर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर शामिल किए हैं और खुशबू का क्या ही कहना, बहुत ही उम्दा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर मैं जो है वो स्पाइसी जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाए थे शामिल करती हूँ। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी हमारी होटल स्टाइल माश की दाल में बनाना सिखा रही हूँ पसंद आएगी। पसंद आए तो हम अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों का प्यार और हमारी हौसला अफजाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू। तो मैं 5 मिनट के बाद आपको दोबारा दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब स्पाइसी डाल के भी हम लोग अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो सी है वो दाल भी शामिल कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। तो अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपली थोड़ा सा पानी ही हम लोगों ने ऐड करना, क्योंकि आपको पता है कि जो सी माश की दाल खुश खुश सी होती है, तो कोई घुली मिली हुई नहीं होती या ना ही इसके अंदर कोई शोरबा या पानी इस तरह होता है। ठीक है, बस हम लोगों ने इसको गलाना है, इससे थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड करेंगे। तो अभी जितना पानी है मैं इतने ही के अंदर इस दाल को बनाऊँगी, एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर मैं शामिल नहीं कर रही। तो मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट, या टाइमिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि उसके मिकदार पर भी डिपेंड करता है कि वो दाल ज़्यादा है या कम है। तो अब मैं इसको जो से कवर करके वो रख रही हूँ और फिर आपको बाद में दिखाते हैं। जो तो व्यूअर्स अब देखते हैं कि जो सी हमारी दाल माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू और जायका, नमक मिर्च मैंने चेक कर ली है, थोड़ी सी मैं इसको जो सा है वो मसाले वाली रखूँगी और ये रखेगी घी भी आ गया, ये पानी नहीं है ये घी है। ठीक है, और अब लास्ट पे मैं इसको अदरक और हरी मिर्च के साथ गार्निश कर रही हूँ।
तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चक विद नाज़िम के साथ जुड़े रहें। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस माश की दाल को बनाकर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यह आप लोगों का प्यार और हमारी हौसला अफजाई है। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।